श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो उपाय लेकर के आया हूँ, इतना दिव्य उपाय है। इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी धन की कमी नहीं होने वाली, हमेशा धन आपके पास बना रहेगा। तिजोरियां आपकी धन से भरी रहेंगी, पर्स आपका धन से भरा रहेगा, जेब आपकी धन से भरी रहेगी, लक्ष्मी जी आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, लक्ष्मी जी आपके पास सदैव के लिए विराजमान हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके, आप जितने फैमिली मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, आपसे ज्यादा आपकी चिंता मुझे है। आपको दुख होता है तो मुझे दुख होता है, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फैमिली के लोग हैं सबको मैं सुख प्रदान कर सकूँ और सबके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। यही मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि जितने मेरी फैमिली मेंबर सबको बहुत सारी खुशियां दे, सुख समृद्धि दे, इनके मनोरथों को पूर्ण करे, इनकी दरिद्रता को दूर करे, इनके व्यापार को चलाए, इन्हें सारे सुख प्रदान करे। यही मेरी मनोकामना हमेशा रहती है। और मैं आज का जो उपाय बताने जा रहा हूँ, पर इस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, कोई भी उपाय करिए मन में हृदय में श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपेण, बिना श्रद्धा विश्वास के आनंद नहीं आता है। इसलिए श्रद्धा विश्वास से ही उपाय करेंगे तो आपको भी फायदा प्राप्त होना ही होना है, निश्चित होना है, क्योंकि कोई भी क्रिया कभी खाली नहीं जाती। भले ही थोड़ा लेट फायदा हो, पर फायदा होगा। किसी को जल्दी होता है, किसी को थोड़ा और जल्दी, किसी को थोड़ा लेट, किसी को ज्यादा लेट, फायदा सबको प्राप्त होता है। इसलिए धैर्य रख के उपाय करिए विश्वास से, निश्चित आपको फल मिलेगा। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी कुंडली नहीं दिखवाई है, वो कुंडली अपनी अवश्य दिखवाइए, क्योंकि जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तो इलाज किसका होगा, ये बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं हैं, हजारों समस्याएं हैं, पर बीमारी पता नहीं है, समस्याएं क्यों आ रही है, किस कारण आ रही, किस ग्रह के कारण आ रही है, लगे जा रहे हैं ये करने में वो करने में, पर मेन चीज जड़ नहीं पता, जड़ कहां से समस्या उत्पन्न हो रही है, अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए आपको अपनी कुंडली मुझे नहीं भेजनी है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी मेरे पास कुंडली नहीं, कुंडली मैंने मांगी भी नहीं। मैं बार बार क्या बोलता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। सेवा राशि रखी गई छोटी सी, वो सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, सारे उपाय बताऊंगा। वो उपाय यदि आपने कर लिए, जो मैं यंत्रों की पूजा मंत्रों का जाप बताता हूँ, वो यदि आपने एक महीने कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन से सारी समस्याएं एक महीने के बाद दूर होने लग जाएंगी। ध्यान रखिए, एक महीने के बाद दूर होने लग जाएंगी। बस आपको करना है, आपकी कुंडली दिखाइए, बच्चों की कुंडली दिखाइए, सभी की कुंडली एक बार अवश्य दिखाइए। यदि आपके जीवन में परेशानी है तो बहुत आवश्यक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक अवश्य करिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल मत भेजा करिए प्लीज, और कमेंट बॉक्स में सेवा राशि कितनी सब मत लिखिए। आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको व्हाट्सएप पे तुरंत उत्तर दे दिया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और व्हाट्सएप में ही आप मुझे अपनी डिटेल भेजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये उपाय आप शुक्रवार वाले दिन से स्टार्ट करिए। देखिए आपने देखा होगा कि जो इलायची होती है, हरी इलायची, लक्ष्मी जी के प्रयोग के लिए बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है, लौंग हुई, इलायची हुई, रसोई की बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत काम आती है। तो आज मैं आपको इलायची का ही प्रयोग बताने जा रहा हूँ। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ प्रयोग यदि आपने अपने जीवन के रूटीन में ले आएगा इस प्रयोग को, तो निश्चित ही आप देखिए धीमे 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 आपको जो फंसा हुआ धन होगा वो भी आपको प्राप्त होने लगेगा, अकस्मात धन की भी प्राप्ति होने लगेगी, मतलब आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता रहेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको सुबह सुबह शुक्रवार वाले दिन नहा धो लीजिए अपने नित्य क्रम से फ्री होकर के। आपको लेनी है तीन इलायची लेनी है। महिलाएं हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में ले लें, पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड में। तीन इलायची ले लें, मुट्ठी जोर से बंद कर लें, तीन इलायची लेने, तीन छोटी इलायची लीजिएगा, भरी जो आती है वो छोटी इलायची लीजिए, मुट्ठी में बंद कर लीजिए। मुट्ठी बंद करने का अपने मंदिर में बैठ जाइए और लक्ष्मी जी के सामने श्रीम 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 लक्ष्मी जी के इस मंत्र का जाप करिए। 5 मिनट तक 10 मिनट तक जितने भी मिनट आप कर सकें इस मंत्र का जाप करिए। मतलब जो आपकी शक्तियां हैं श्रीम मंत्र की, लक्ष्मी जी की इलायची जी में आ जानी चाहिए, वो दिव्य शक्ति जब आप बोल लें उसके बाद आपको। और ये जब प्रयोग करना है ध्यान रखिए उत्तर की तरफ मुख करके प्रयोग करना है, ठीक है, उत्तर की तरफ आपको मुख कर लेना है, इलायची मुट्ठी में ले लेनी है, मुट्ठी को जोर से बंद कर लेना है और श्रीम श्रीम का जाप करिए। या फिर श्री लक्ष्मी जी का कोई भी और मंत्र आपको आता हो उसका जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त आप पूरा पढ़ सकते हैं इलायची मुट्ठी में लेने के बाद, उसका जब मंत्र पढ़ लें उसका आपको इलायची को अपने मुख में रख लेना है और उसको चबाइए, बस चबाइए, खूब चबाइए।
ये आपको रूटीन में ले आना है। आप इलायची चबाते रहेंगे दिन में, आप इस इलायची चबाइए और डेली इस प्रक्रिया को करिए। डेली सुबह नहाने का इलायची लेनी है और ये आपको मंत्रों को जाप करके उत्तर की तरफ मुख करके आपको मुख में डाल लेना है। आप इस रूटीन को अपने जीवन में ले आइए, आपके जीवन से धन संबंधी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, धन आपके पास सदैव के लिए आकर के विराजमान हो जाएगा। इसलिए उपाय को आप लोग अवश्य करिए। जितने मेरे फैमिली के मेंबर्स देख रहे हैं सभी लोग अवश्य करें। और जब इसको थूकना उकना हो, इलायची को जब आपकी रह जाती है तो उसको उत्तर दिशा की तरफ थूकिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सभी लोग इस उपाय को अवश्य करें और अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए तो निश्चित ही अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोगों से स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, राधे राधे।